आपको मिल गया वीडियो। रुकना जी, अभी लाइव मत करना। कर दियो क्या? बाबू आवाज नहीं जा रहा था, आवाज रोका गया था। पटना में यहाँ पे समझाना था इस सबको, अब क्या बताए हम मतलब समझ रहे हैं हम भाई। ऐसा पूरा जगह कैमरा लगा हुआ, होशियारी हाँ। अरे लड़का थोड़े ना, लड़की लिख रही थी ऐसे, लड़कों खड़ा कर देगा ना। सगा दोनों को होना चाहिए ये सब चीज बता। लड़की हम लोग के समय में ना ये सब चीज लड़कियों को नहीं समझाना होता था, लेकिन अब ये बात लड़कियों को भी समझाना पड़ता है कि डिसिप्लिन से रहो। बहुत ज्यादा बहुत कम, देखिए चावल बनता है तो एक को ना चेक होता है, पूरा बौर भगोना चेक होता है, एक के दो को चेक होता है। अब बताइए ये हम लोग के समय में लड़के बदमाशी करते थे, अनडिसिप्लिन करते थे, बट हम लोग का जब पढ़ते थे ना एटलीस्ट ये नहीं बोलना रहता। लेकिन यहाँ पे बहुत दिक्कत हो गया। इसको क्या हो गया, उतर जाएगी कि नहीं? जय जय जय, उतर जाइएगा ना पूरा सीढ़ी। चलिए अब सब समझदार हो गई है सब, मतलब बेहोश होने का जैसे प्लान बनाती है सब, थोड़ा प्लान बना लिया। अब इससे पहले आप लोगों को शेयर बता दिए थे, शेयर का मेन कंसेप्ट बता देना। शेयर बाजार पे निगरानी कौन रखता है? सेबी। शेयर बाजार सुबह 9:15, शाम को 3:30। सर बताइए क्या की है सब? तुम्हारे काम लायक बात नहीं है, यहाँ बदमाशी गिर थी सब ना? हाँ? नहीं लाइव में नहीं सुनाई दिया, बताइए ना। लाइव में जितना बात बोलेंगे उतना ही जाएगा, यहाँ हर चीज है। अगर हम केवल लाइव वालों से बतियाना चाहें तो फिर आप नहीं सुन सकते हैं, दूसर कमरा में जाके बोलेंगे, उधरिया बैठ के बोलेंगे तो कहाँ सुन लेगा सर? ऐसा क्लासरूम में कोई ऐसा कोई बहुत बड़का को नहीं, परमाणु रिएक्टर का डील थोड़े हो रहा होता है कोई, आप जैसे कोई ऐसा चीज है जो लाइव वाला बदमाशी किया सकता है उसको लाइव में समझा दिया जाता है। अब कोई बदमाशी केवल ऑफलाइन में किया तो लाइव वालों का आवाज रोक के यहाँ समझा दिया जाता है। लेकिन सोच रहे हैं लड़की सब कितना बदमाश हो गई है सब। हाँ इसको हम बोले ना फोन करके क्लास में कि जाके बोलो कौन वीडियो कॉल कर रही, तो बोला भी उसको, तो हमको उल्टे कह रहा है कि सर बोल रहे हैं तो कह रही है कि सर नहीं ना है। सब दिखता है बकले लिया, कैमरा में आवाज तक सुनाई देता है, क्लासवा में वीडियो कॉल बतियाती है। हाँ। अभी चला देगा उसको जूम करके। हम क्या बोलते हैं अब, क्या कहना है कि सर नहीं है ना, सर नहीं है तो क्लासवा सर का ही है ना।
हम रहे ना रहे समझ जाइयो, नजर हमेशा हर जगह रहता है। सब लगा के रख के देखो, एक दो तीन, हर जगह है। बहुत सा चीज तो आप बहुत जगह का कैमरा आपको दिखबो नहीं करेगा। जरूरी है ये, आपकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। अब कभी कल के किसी का कोई सामान चोरी कर लिया तो उसके लिए जरूरी है कि नहीं? कोनो ज्यादा बदमाशी किया तो गया काम से उसको भी। चलिए अब हम लोग आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। बदमाशी अपने जगह पे है बट एक लिमिट में होना चाहिए, ठीक है? और लड़की लोग को थोड़ा सा और रूडली नहीं रहना चाहिए। कह दिए कि सर नहीं ना है, जो सर जी सुन लिए अब जाके छुप रही है। सब लास्ट शर्म अब ये करेगा। देख रही है कोनो गुफा उफा मिल जाए गु। ओके छोड़ देंगे तो कूद जाएगी नीचे। ओह माय गॉड। चलो बताइए, आप कोनो ना बतियाएगा, सब समझ में आएगी नहीं आएगा? कोई लड़का लड़की कोई भी अगर वीडियो कॉल बतियाए तो नंबर यही लिख देंगे हम। ए बकलोलवा, अब देखो खौरावा को खड़ा होके देख रहा है कौन था। बबनी को खड़ा कर देगा। ना ना ना, चलो अब इधर देखो ध्यान से। नहीं हम काय लिए खड़ा करेंगे, पागल हैं? हम सामूहिक रूप से बोलते हैं, जिसको बोले उसको समझ में आ गया, बाकी को नहीं समझ में आता। इंट्राडे ट्रेडिंग एक दिन में होता है कि दो तीन दिन में? इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप 3:30 से पहले नहीं किए तो उस समय के रेट के हिसाब से कौन बेच देगा? कंपनी। जो आपकी ब्रोकिंग कंपनी है वो क्या कर देगी? बेच देगी। ब्रोकिंग कंपनी आपको तुरंत क्या कर देगी? बेच देगी। आपको हर हाल में क्या करना है? इंट्राडे ट्रेडिंग को 3:30 से पहले आपको बेचकर हटा देना है। बताइए सबसे ऊपर आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है सर, जो कंपनी ये कैसी होती है सर? लिमिटेड। पूरा नाम क्या होता है? पब्लिक लिमिटेड। ये कहाँ लिस्टेड होती है? BSE या NS? यहाँ लिस्टेड हो गई ये? आप बताइए ये कंपनी यहाँ पे लिस्टेड हो जाती है, ये डायरेक्ट शेयर पब्लिक को देंगी? ब्रोकरेज कंपनी को देंगी। ग्रो था एंजल था जीरोधा था, अरे कई गो और होता है सब जी, बहुत ज्यादा। जीरोधा का आता है काइट, ऐसे करके बहुत ज्यादा कंपनी है सब। ये 3 फेमस है सब यहाँ पर। और ये किसे ऑफर करती है? पब्लिक को। किसे ऑफर करेगी? पब्लिक को क्या करेंगी? ऑफर करेंगी। हम यहाँ पे शेयर हम अगर लॉन्ग टाइम भी ले सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग भी ले सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए हम आपको 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, साल भर, जितना दिन के लिए लेना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? ले सकते। और इंट्राडे ट्रेडिंग एक जैसे हम ट्रेडिंग करने जाते हैं हमें क्या किया जाता है? पूछा जाता है कि हमें इंट्राडे चाहिए या लॉन्ग टाइम चाहिए? इंट्राडे चाहिए या लॉन्ग टाइम चाहिए? इंट्राडे के लिए सुबह 9 बजे से 9:15 से 3, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्या हम इस ब्रोकरेज कम जो एप्लीकेशन है इस पे अपना मिनिमम टारगेट फिक्स कर सकते हैं? सपोज कीजिए कि हमने किसी कंपनी का शेयर 120 रुपया में खरीदा, हम इसका मिनिमम टारगेट सेट कर सकते हैं कि नहीं, कि हम इससे कम जैसे होगा क्या करना है? बेच देना। जैसे 119 मिनिमम कर दे, कि जैसे 119 होगा क्या करते हैं? निकाल दे। अब ये भी गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी नीचे जाता है, फिर क्या हो जाता है? ऊपर आ जाता है। तो टारगेट सेट करने में भी क्या हो जाता है? दिक्कत हो जाता है। तो आप मिनिमम टारगेट क्या कर सकते हैं? फिक्स कर सकते हैं कि हमको इस टारगेट के बाद क्या कर देना है? शेयर को बेच देना है। और आप मैक्सिमम भी कर सकते हैं कि जैसे 120 का शेयर है, जैसे 140 जाएगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। मान के चलिए 40 नहीं गया तो सेल नहीं होगा, नहीं सेल होगा, तब आपको 3:30 से पहले सेल कर देना। और नहीं तो 3:30 में कंपनी ऑटोमेटिक उस समय का जो रेट है क्या कर देगी? सेल करके बेच देगी। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा एक बात बताइए, हर्षद मेहता का कहानी जानते हैं ना? पहले जमाना में वो पॉसिबल था, अभी नहीं है। पहले शेयर जो था खुद से इंसान को जाकर खरीदना होता था, समझ में आएगी? नहीं, जाके क्या करना था? खरीदना होता था। तो इसका एक पूरा नेटवर्क बना हुआ था, एक ओवरव्यू में समझिए, बहुत बड़ा कहानी था उसका। इसका पूरा एक नेटवर्क बना हुआ था, जैसे हमारे पास इतना विद्यार्थी है, ठीक है, और हमारे
अब जैसे हमारा विद्यार्थी है, अभी हम जाके कहते सपोज कीजिए कि ऑफलाइन रहता, शेयर ऑनलाइन नहीं रहता, समझो ध्यान से। हाँ 1992 में हुआ था, 1992 में हर्षद मेहता का केस, वहां पर बहुत उसके पास सीबीआई वाला पूछा था आपके अकाउंट से 10 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है, 1992 में 10 लाख बहुत ज्यादा था। चलिएगा बाबू, नहीं जा पाएगी वो, यहीं से पकड़ पकड़ के जा रही तो कौन चीज चल जाएगी। हाँ तबीयत खराब किसी का थोड़े रहता है, सर दर्द चालू होगा सीढ़िया पे उलट जाएगी सो। हम एक बार हुआ था इस टाइप का, एक तो लड़की इसी तरह गई उठ के आराम से और सीढ़ी पे दी, एक आदमी नीचे फोन किया था कि सर एक कोई लड़की गिरी है सीढ़िया पे, हम कहे तब तो दूसर किसी की आगे हुक्म नहीं करेगी, कन्फर्म है, ऐसा क्रांतिकारी कहाँ मिलेगा, ऐसा नहीं है लड़की लोग ऐसा। आप लोग को जवाब देने नहीं आता, हम बार बार आप लोग को सिखाते हैं कि कुछ बोलना सीखिए एक्यूरेट, इसका क्या जवाब हो सकता है कि देखिए किसी भी जगह पे 1% लोग ही बीमार हो सकते हैं, सबसे ज्यादा लड़की भी तो हमारे यहाँ आके पड़ती है, तो सबसे ज्यादा बीमार होने की संभावना कहाँ हो सकती है यहीं पर। अब किसी के 5 गो रोबे करेगी तो कौन जी बीमार पड़ेगा, आप लोग को जवाब ही देने नहीं आता है, गुस्सा आ जाएगी। पता ही, जवाब देना सीखिए आप लोग, जवाब देने का मतलब लड़ाई नहीं होता, जवाब इतना आराम से दीजिए ना कि सामने वाला कूदे कर दे, समझाएगी कितना भी समझाते ही सब समझ में नहीं करती है सब, अब गुस्सा आ जाती है सभी, आप नहीं गुस्सा आती बोले तब कल से और बोलेंगे। देखिए ध्यान से आगे बढ़ जाए, अब जैसे हर्षद मेहता के समय ऑफलाइन जाके खुद खरीदना होता था, कहां से, दलाल स्ट्रीट से, वर्ली है मुंबई में, एक जगह का नाम है क्या वर्ली, जैसे पटना में अभी कहां है मुसल्लापुर, उसी तरह मुंबई में वर्ली थे, वहां पे जाके खरीदना होता था। अब हमारे पास इतने विद्यार्थी हैं, इतने लोग हैं, अगर हम जाके कह देंगे कि तुम लोग सब लोग जाओ धड़ाधड़ जाके रिलायंस का शेयर खरीदना, चिल्लाने लगेगा सर रिलायंस रिलायंस रिलायंस, धड़ाधड़ शेयर किसका बढ़ जाएगा, रिलायंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सपोज कीजिए कि रिलायंस का हमको बढ़ाना है, उसके पास पहले से 10,000 शेयर है, कितना शेयर है 10,000, इसमें से हम चुपचाप खरीद लेते हैं 5,000, कितना खरीद लेते हैं 5,000, बचा हुआ इसके पास कितना 5, और आप लोग को भेज देते हैं जा हल्ला करके खरीदियो एकदम यहाँ पर, धड़ 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 किसका शेयर बिकेगा, रिलायंस, हल्ला हो जाएगा, बाप रे बाप रिलायंस का शेयर गजब बिका है रे भाई, गजब बिका है, तुरंत वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब वैल्यू बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा फायदा किसको, हर्षद में अकेले पहले से बैठ लेता, कितना 5,000 लेके पहले से बैठा, जानबूझ के ये क्या करता था, रेट बढ़वा देता था, किसी का रेट खरीदना, किसी का कंपनी का रेट गिरवाता था गजब तरीका से, जैसे किसी कंपनी के सपोज कीजिए इसी का गिराना है किसी का, तो 10,000 शेयर है ना, अपने आदमी से कह देता था किसी से 100 को खरीद लो, 400 खरीद लो, 500 खरीद लो, इसे कर कर करके इसमें से कितना ले लेता था 5,000 खरीद लेता था, खरीद लिया अचानक सबसे कहता था कि आज 5,000 बेच दे। अब किसी कंपनी का शेयर अचानक से कोई 5,000 धड़ 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 हर आधा घंटा 15 मिनट में बिकने लगेगा तो क्या होगा, कंपनी का शेयर गिर जाए, वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाए, जब गिर जाएगी तो खरीद लेगा, आओ यहाँ पे, बहुत खतरनाक उसका दिमाग था। और वो ना कई और चीजें भी किया, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया था, तो उसका दिमाग तो ये था खतरनाक वाला, अब बैंक से क्या कर लेता था, लोन लिया था, तो बैंक लोन आपको लीगल कामों के लिए देती है, इलीगल के लिए नहीं, लेकिन बैंक इतना ध्यान नहीं दी क्योंकि बैंक का पैसा डूबाता नहीं था, तुरंत क्या करता था रिकवरी दे देता, लेकिन होता तो गलत ही था, इनसाइडर ट्रेडिंग करने लगा। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या हो गया, कोई ब्लैकमेल कर रहा था उसको, ब्लैकमेल कौन चीज, कोई कहीं ना कहीं देखिए झूठ कितना दूर जाइएगा कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब चीज है, हर्षद मेहता में जो था ना तो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, सीबीआई पूछे सब कि आपके पास छापा में 8 लाख रुपया मिला, 1992 में 8 लाख बहुत ज्यादा होता, कहा इतनी बड़ी रकम आपके पास कैसे आई, मतलब ट्रांजेक्शन कैसे हुआ, कहा हमको याद नहीं है, सीबीआई वाला पूछा आपको याद नहीं है 8 लाख, 1992 में 8 लाख का मतलब समझ रहे आज का 1 करोड़, कहा इतनी बड़ी रकम आपको याद नहीं है, उसने कहा कि आपके लिए बड़ी होगी मेरे लिए नहीं। अरे मतलब सीबीआई अफसर के आगे बैठ के आप इस तरह का नौटंकी कहिएगा, आप तनी आप किसी केस में फंसे हैं तनी दरोगा से बैठिए ना, वो कुछ और लिख दिया ना, कुछ भी लिख दिया तो आपको कोर्ट से साबित कराने में 10 साल लग जाएगा, क्योंकि कोर्ट गलत नहीं है,
कोर्ट के पास इतना भीड़ है ना कि कोर्ट कर क्या सकती है आपको, लिख देगा तो आपको साबित करते करते कितना लग जाएगा, 10 साल लग जाएगा यहाँ पर, तो उलझना नहीं चाहिए, ये उलझ जाता था उससे तो बहुत ज्यादा। इनसाइडर ट्रेडिंग लग किसे कहते हैं समझिए, अब कोई कंपनी है अपना शेयर कब बेचना चाहती है या कब शेयर लाना चाहती है, यह कंपनी के बड़े बड़े लोगों को पता रहता है, सीईओ को पता रहेगा, सीएफओ को तो पक्का पता रहने वाला है, एमडी को पता रहना है। जैसे सपोज कीजिए हमें शेयर लाना है तो हमारे कुछ खास लोगों को पता रहेगा कि शेयर कब, आप लोगों को पता है नहीं, लेकिन खास आदमी को पता रहेगा कि शेयर कब आएगा, और आपको पता है क्या प्राइस रहेगा, लेकिन कुछ खास खास लोग रहेंगे उनको क्या रहेगा, पता रहेगा। सीएफओ जो रहेगा उसको क्या है, कंफर्म पता है। ये सब सारी जिम्मेदारी किसकी रहती है, सीएफओ, सीएफओ और एमडी से तो कुछ छुपता ही नहीं है, सारा पैसा का लेन देन किसके पास रहता है, सीएफओ सीईओ सीटीओ और एमडी सबको क्या रहेगा, पता रहेगा। अगर इसी में से कोई बाहर निकल जाए और अपने किसी रिश्तेदार को बोल दे कि देख इतने तारीख को शेयर आएगा, इतने पैसे का रहेगा, रेडी रहियो, तो उसका रिश्तेदार क्या करेगा, फटाक से खरीद लेगा। और ऐसा आदमी को करेगा जिसको कुछ पता ही नहीं है, सारा पैसा इसी का रहेगा, खरीदवाएगा किसके नाम पे, रिश्तेदार के नाम। इसे क्या कहा जाएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग। जब कभी कंपनी के गुप्त सूचनाओं को कंपनी के ही अंदर से लीक कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, इनसाइडर ट्रेडिंग। बहुत खतरनाक होता है इनसाइडर, कंपनी डुबा देगा, समझ में आएगी नहीं, कंपनी नहीं डुबा देगा, आराम से डुबा देगा। अब सपोज कीजिए ना कि हमको ले आना है 10,000 शेयर, कितना शेयर, 10,000 शेयर लाना है, तो सीएफओ को पता होगा कि नहीं, वही बैठ के फाइनेंशियली डिजाइन किया होगा सीएफओ, एमडी को भी पता ही होगा, सबको पता है 10,000 शेयर। अगर मेरी कंपनी का ही कोई खास आदमी बाहर निकल के और हल ग्रुप बना दे 25-30 आदमी का कि भाई 10,000 शेयर निकला है, और एक और कहेगा शेयर मिल के कितना खरीद ले, 10 गो खरीद ले, तब तो काम गड़बड़ा जाएगा, शेयर बनाए फायदा क्या हुआ, तो 10 गो पार्टनर हो गया सब, नहीं हो जाएगा सब। तो कंपनी की गुप्त सूचना को बाहर ले आना क्या ये सही है, नहीं है। इसे क्या कहा जाता है, इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या कहेंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग पर सेबी ने क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। और किसी को अगर इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए सेबी पकड़ेगी तो जुर्माना लगाती है, जानते हैं कितना, 500 करोड़। कितना लगाएगी, 500 करोड़। कोई करेगा इनसाइडर ट्रेडिंग, जिंदगी बिता देगी उसका जेल में। सुब्रत राय को छोड़ा, अभी तक बहुत मुश्किल में डाल दिया सुब्रत राय को। तो शेयर बाजार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेन काम क्या है शेयर का, आपको बिना नाम गाम पता किए आपको एक पार्टनर मिल जाता है जो आपको कंपनी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता है, बदले में क्या दे देता है, पैसा। आप उसके पैसे के बदले में प्रॉफिट का जो हिस्सा देते हैं उसे क्या कहा जाता है, डिविडेंड। क्या कहेंगे, डिविडेंड। इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल है, कौन जुर्माना लगाता है, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत है किसी को, निफ्टी में कितनी कंपनियां, कितनी, 1500 नहीं 50, एनएससी में 1500 से ज्यादा, बीएससी में, लेकिन सेंसेक्स में, क्या सेंसेक्स से 30 को एक्सचेंज किया जा सकता है दूसरे से, परफॉर्मेंस खराब होगा तो क्या कर देगा, भेज देगा, क्या करेगा, भेज देगा। लेकिन जो भी ब्रोकरेज कंपनी है, ये ब्रोकरेज कंपनी है सब, ये आपको केवल 30 ठो का लिस्ट देगी कि पूरे 5,000 का, पूरे 5,000 का 30 ठो का तो सेंसेक्स दिखाई देगा, लेकिन आपको पूरा कितना का दे सकता है, 5,000, और निफ्टी के कितने दे सकता है, 15। अब आपके लिए भी क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा। तो ये कंपनी आपके लिए वॉच लिस्ट बना रखे हैं सर, फेवरेट लिस्ट। तो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, हर लिस्ट में आप 20-20 कंपनियों को डाल सकते हैं। लिस्ट 1 में एकदम फेवरेट कंपनी को डालिए, लिस्ट 2 में कुछ और फेवरेट कंपनी 20 को डाल दिए। कोई कंपनी 5,000 में इन्वेस्ट करेगा, हर इंसान का एक अपना आइडिया होता है। जैसे महिला लोग, ये ज्यादातर आप लोग को अगर इन्वेस्ट करना होगा तो आप लोग रियल इस्टेट का आपको आइडिया ज्यादा नहीं है, रियल इस्टेट मतलब छड़ गिट्टी बालू, आइडिया है नहीं है, इसका आइडिया नहीं है, तो आप लोग उसमें इन्वेस्ट करिएगा, अभी लोहा का रेट गिर गया। आप लोग को ज्यादा आइडिया कॉस्मेटिक का होगा, कपड़ों का होगा, आप उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अब लड़का जाए ना तनिक कॉस्मेटिक का इन्वेस्ट करने के लिए, डूब जाएगा अपने लेके, ओके पते नहीं है, कुछ पता रहेगा नहीं, तो तो उसको कोई खास आइडिया नहीं है। हाँ सर, सोना का देखिए, हाँ सोना का आप लोग आइडिया रहता है, तो बताइए लड़का डूबेगा कि नहीं डूबेगा। तो हर इंसान का अपना अलग अलग आइडिया। अब जैसे कोई डॉक्टर है, उसको एक घंटा खाली टाइम मिल रहा है, आप बताइए वो छड़ गिट्टी बालू में इन्वेस्ट करेगा, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। अब हम लोग को दवाई कंपनी का नाम ही नहीं पता है कि दवाई का नाम है कि दवाई की कंपनी का नाम है, कौन सी इन्वेस्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब उसको पता है डॉक्टर को, हो गर्मी का दिन आ रहा है, कौन बीमारी बढ़ेगी, ये बीमारी की वजह से इसकी दवा। अब जैसे डोलो टैबलेट, कोरोना में डोलो टैबलेट राजा हो गया, जिसको कोई नहीं पूछता था। डोलो पैरासीटामोल, डोलो 650 टैबलेट जो था, डोलो 600 गजब बिका था कोरोना में। जिंक का टैबलेट, हम लोग को कोई आइडिया है नहीं है, अभी कोई पता ही नहीं चल रहा है। तो 5000 कंपनी में ऐसा मत सोचिएगा कि आप जिसे समझ रहे हैं अच्छा वही अच्छा है। सबका अलग अलग फील्ड होता है, कोई किसी फील्ड का महारत है, किसी को दूसरे फील्ड का महारत है। अभी हम लोग को अगर रहे तो अभी 2 महीना पहले, अभी क्या करेगा इंसान, सपोज कीजिए कि अभी पेपर, नैनी पेपर, आप लोग को पेपर का कोई आइडिया ही नहीं है। 70 GSM का पेपर है कि 60 GSM का पेपर, कोई आइडिया है? अब हम लोग का किताब छपता है, लाख लाख पीस किताब छपता है, 10 ट्रक 15 ट्रक कागज खरीदना पड़ता है हम लोग को। अब हम लोग को पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि कागज बनाने में कोयला की खपत ज्यादा होते, फैक्ट्रिया कोयले पर ना चलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगता होगा 5000 कंपनी में कौन इन्वेस्ट करता है, लेकिन सबके ग्राहक फिक्स है। अगर ग्राहक फिक्स नहीं रहते तो क्या वो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड हो पाती? और प्रॉफिट अच्छा नहीं हो पाता तो क्या IPO ला सकती थी? IPO नहीं ला सकती थी, क्या लिस्टेड हो सकती थी? नहीं लिस्टेड हो सकती। तो सबका अलग अलग क्या चीज है, फील्ड है। तो जो जिसको जिस फील्ड का नॉलेज है, वो अपने जिस फील्ड का ज्यादा नॉलेज है, वॉच लिस्ट एक में उसको डाल दीजिए। आपको लगता है कि नहीं इस लिस्ट से निकाल के 2 में डालना है, 2 में डाल दीजिए। आपका मन है कि नहीं इसे कॉमन BSC में रहने देते हैं तो कहां छोड़ सकते हैं BSC। तो ये सारा काम कौन करके देते हैं? ये ब्रोकरेज कंपनी करती है, जिसमें ये सब काफी ज्यादा फेमस है। सब जीरोधा बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पर, तो बहुत ही बड़ी है यहाँ पर। ग्रो पहले म्यूचुअल फंड में डालता था, अभी 1-8 साल से क्या चालू किया है, शेयर बाजार में। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, म्यूचुअल फंड आगे बताएंगे, बिटकॉइन और म्यूचुअल फंड आगे बताएंगे। अभी बिटकॉइन जो है वो बड़ी तेजी से आगे चल रहा है यहाँ पर। शेयर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? शेयर मतलब पार्टनरशिप, शेयर मतलब। अभी ऑनलाइन के समय में आपने जिसको कभी देखा भी नहीं, वो भी क्या हो गया आपका पार्टनर। एक दिन के लिए जो पार्टनरशिप मार्केट क्या कहलाएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, सैटरडे संडे इंट्राडे ट्रेडिंग बंद, शेयर मार्केट बंद। कंपनी को डेली पैसे लेगी तो कमवा कब करेगी यहां पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। शेयर बताइए, हमारा एक शेयर लेते हैं, 2 शेयर लेते हैं तो क्या कहलाता है, शेयर। हम क्या कहलाएं, शेयर होल्डर कहलाएं। लेकिन अगर 5% 6% पूरा खरीद लिए स्टेक तो क्या कहलाएगा, इक्विटी। क्या कहलाएगा, इक्विटी। आप लोग अभी इक्विटी लेने के इक्विटी लेने की स्थिति में अभी नहीं है। आप क्या ले सकते हैं, 10, 5, 20 क्या ले सकते हैं, शेयर ले सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग किस ऐप पर करना चाहिए, सब सेम होते हैं, सारे के सारे ऐप क्या होते हैं, सेम, सबका रेट सेम। किसी का यूजर इंटरफेस अलग, किसी का अलग। जैसे हमको यूट्यूब इजी लगता है, फेसबुक हमको आईबे नहीं करता है। तो ऐसा थोड़ी कि फेसबुक खराब है, फेसबुक हमारा समझे में नहीं आता। उसमें जिसका मन वो चलाता है, समझना। इंस्टाग्राम तो टिकटॉकरवा चलाया है सब, कोनो 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 बाल्टी लेके नाच रहा है, कोई मतलब ही नहीं। यूट्यूब बहुत खतरनाक चीज है यहाँ, वो डार्विन का सिद्धांत है ना, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट फिटेस्ट, वही सिद्धांत किस पे है, यूट्यूब पर। ताम जाम करिएगा, ये किसी को वैल्यू नहीं देगा यहाँ पर। इसमें एकदम जो सर्वाइवल ऑफ द क्या है, बेस्ट, उसी को कंटेंट जो ठीक रहेगा वही जा सकते हैं, अदरवाइज में सर्वाइव करना मुश्किल है। समझ में आ गई ना क्या, किसी को दिक्कत? हाँ, घट बढ़ सकता। बड़ी कंपनी जो रहेगी सेवी डिसाइड करेगी, आपकी कंपनी का लगातार 4 साल से रिकॉर्ड अच्छा है ना, तो आपको किस में डाल देगी, BSE में। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक ठाक नहीं है तो उठा के कहाँ लाएगी, NSE में। और वो गड़बड़ा करेंगे तो भेज देगा, कहेगा ठीक है आप पब्लिक है लिमिटेड, ठीक है इसमें मत आइए, आपको पब्लिक लिमिटेड। आप पब्लिक लिमिटेड में भी खराब रहेंगे तो प्राइवेट लिमिटेड, एक ही दिन में पता चल जाता है, एक ही दिन में पता चल जाएगा। सपोज कीजिए एक दिन के 2 शेयर बचाए किसी कंपनी का, इसको मोबाइल ना सोच के कंपनी समझ, 2 शेयर बचाए। आप लोग ग्राहक है, इसका दाम है 50 रुपए, इसका दाम है 50 रुपए, दोनों का दाम क्या है 50, और खरीदने वाले आप लोग इतने लोग हैं, क्या ये 50 में बिकेगा? अब बिकेगा धड़ाधड़। अब बिकने का टाइम 9:15, 3:30 तक बेच के निकाल देंगे, बताइए, बोली लगाइए, 55 देखो हो गया, शेयर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, 2000 में ये खरीदने को रेडी है,
4000 देखो 5100 कितना में रेडियो 1,00,000 लो ये वाला हमको लगा 1,00,000 में ही ले जाकर तो दे देंगे हाँ अच्छा इसका कब घट जाएगा हाँ शेयर बढ़ेगा घट भी सकता है जैसे समझ सब सुनिए ध्यान से अभी इसका 1,00,000 में लेने को तैयार हैं लोग सपोज कीजिए आप मान के चलिए कि इसको लेने के लिए कोई 50,000 में तैयार है एक समझने के लिए समझिए कि 50,000 में तैयार अभी खबर आई कि इसकी बैटरी भड़कना चालू हो गई है 50,000 में कौन खरीद रहा था कितना में लोगों 150 आ गए लोग तो देखिए आप सबके पास शेयर बढ़ रहा है कि घट रहा है नहीं समझ में आएगा जैसे कोई जमीन का टुकड़ा है सपोज कीजिए कि ये कोई जमीन का टुकड़ा है ठीक है अब इस जमीन को खरीदने शेयर भी क्या होता है देखिए ये सारा मार्केट हवा में होता है रियलिटी से कोई मतलब नहीं जो जितना रियलिटी इन द सेंस है कि उतना वैल्यू नहीं रहता है लोग वैल्यू बढ़ा देते हैं जैसे ये जमीन का एक टुकड़ा है अब इसकी वैल्यू 1,00,000 पता चला इसके बगल में एयरपोर्ट खुल रहा है अब वैल्यू 1,00,000 बोली लगाइए कितना में 2,00,000 5,00,000 हाँ 6,00,000 रुको शेयर बढ़ गया हाँ अब आप सोचेंगे घटेंगे कैसे ये जमीन कितने की थी 1,00,000 यहाँ शमशान घाट खुलने वाला कितना इधर शमशान घाट इधर कब्रिस्तान 1,00,000 में कौन खरीदेगा कोई नहीं तो समझिए शेयर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है ये कैसे होता है आपको उस चीज की पूरी आइडिया होना चाहिए जैसे आपको जमीन का आइडिया कि कब जमीन की वैल्यू बढ़ती है कब जमीन की वैल्यू घटती है इस तरह से 5,000 कंपनियां अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाती हैं जिसका आइडिया होना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि किस परिस्थिति में यह बढ़ेगा किस परिस्थिति में यह घटेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जैसे अभी कॉपी किताब का जो कागज होता है इसका डिमांड भयानक बढ़ेगा रीजन क्या है सबका सेशन चालू होगा जुलाई में सब लड़कियों आएगा सब पढ़ के एडमिशन लेगा सब नायका स्टीकर खरीदेगा सब ललका जिल्द चढ़ाएगा सब स्टेपलर से पिन मारेगा सर और 4 दिन तक नाम लिखेगा सर डिजाइन से चाचा से लिखवाएगा नाम लिखिए तो आप मेरा खूब डिजाइन समझा गया कि नहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको जब आप शेयर बाजार में तब तक अच्छा से नहीं जा पाएंगे जब तक आइडिया अभी कैसे आप लोग जमीन पे धड़ाधड़ बोली लगा रहे थे लोग आज जैसे शमशान घाट पास हुआ हम तो ले लेंगे हमारा कोई खास दिक्कत ना होगा और कुछ हम तो ओकरा खरीद लेंगे वहां लकड़ी का दुकान खोल देंगे ना समझ आएगा उसमें खरीद के आगे सब चीज का अपना अपना आइडिया होता है किसी चीज का हो गया आपके अलग चंदन का लकड़ी पंडित जी का एक वहां कमरा डाल देगा आदमी माचिस का डिब्बा बेचेगा पूरा भोज वोज वही करा रहा है आगे बढ़ जाए ना अच्छा ये बताइए अगर आपको किसी चीज का आइडिया ही नहीं है तो आप क्या कर पाएंगे ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे आप जैसे देखिए अगर आपको शेयर लेना है और खरमास का समय चल रहा है तो आप किसी कॉस्मेटिक चीज का शेयर खरीदिएगा उसका ग्रो ही नहीं करेगा और लगन में भयानक कॉस्मेटिक सोना समझ में आ गया कि ना तो समझिए शेयर भी डिपेंड करता किसी भी चीज का प्राइस डिपेंड करता है कितना उसका डिमांड है कितना उसका डिमांड आप लोग कुछ कुछ चीजों का यूज करते हैं तो उसका बहुत अच्छा से आइडिया है जैसे जमीन का आइडिया शेयर का आइडिया आपको समझ में आया कैसे घट जाता है पूरा घट सकता है कोई भी चीज क्या हो सकता है घट सकता है कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई चीज बढ़ा है तो उसका वैल्यू नहीं घटेगा तुरंत क्या हो जाएगा घट सकता है हार्ले डेविडसन एक गाड़ी थी उसकी बाइक 3,00,000 से चालू होती थी हार्ले डेविडसन अब 55,00,000 की बाइक आती थी गजब उसका शेयर बढ़ता था उसका गजब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि ज्यादा आवाज करने वाली गाड़ी हम अलाउ नहीं करेंगे वो आवाजें की वजह से बिकती थी शेयर क्या हो गया डाउन हो गया कि नहीं हो गया तुरंत डाउन हो गया जैसे अभी आपको देखिएगा जितनी गाड़ियां मार्केट में चल रही हैं
सबका शेयर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? गाड़ियां कम होने वाली नहीं है, कई लोग दहेज में देते हैं, लोग दहेज में गाड़ी ले लेता है सब जी। बताइए, दहेज में फोर व्हीलर ले लेता है सब, कितना अजीब लगता होगा उसमें बैठने में। यानी भाड़ा की गाड़ी बैठता है तो थोड़ा सा संभल के बैठता है, दूसर के गाड़ी है वहां, दूसर के गाड़ी घरे रखेगा तो कैसा लगे? बोलिए, हल्ला नहीं करो। बीएससी और एनएससी, हाँ, इन्फॉर्मेशन सबका रहता है। देखिए, जैसे आप पब्लिक लिमिटेड हुए, प्राइवेट लिमिटेड में तो कुछ जानकारियां बच भी जाती हैं, जैसे पब्लिक लिमिटेड हुए तो पब्लिक को पूरी जानकारी रहती है आपके में कितना इंप्लॉई है, कितना खर्चा, कुछ नहीं छुपा सकते। लेकिन जो गोपनीय सूचना आएगी, कब शेयर आएगा, कब ये आएगा, ये तो छुपा ही सकते, फ्यूचर प्लान थोड़े लिखा रहेगा नेट पे। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड शेयर क्यों नहीं दे सकता है? 200 से ज्यादा जाइएगा तो प्राइवेट लिमिटेड हो ही नहीं पाइएगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? पब्लिक लिमिटेड। अब आप बताइए, 200 आदमी को अगर शेयर दीजिएगा तो उससे थोड़ा पार्टनर हो जाएगा आपका। 200 आदमी को तो आदमी ऐसे ही पहचानता है, 700 तो लड़की बैठल रहती है यहाँ, समझ में आएगी नहीं क्या? इतने दूर में 50-100 मिल जाएगा यहाँ पे आपको लड़का सर, 50 को से कम होगा इतना दूर में। ए बकलोलिया, गिन रही है ये, ए इधर देख गया लई, कौन सबको गिन रही है? चलो ध्यान दे यहाँ, कौन जी करेगी गिन सबको? सब ऐसे ही सब नीचे बैठे हैं सब। चले अब ध्यान, समझा क्या? आप बताए, ये कह रहा है कि सर प्राइवेट लिमिटेड अपना शेयर नहीं दे सकता। ये बताओ, 200 शेयर लेके आएगा बीएससी के पास, लात मार के भगा देगा, कहे तो 200 शेयर तो इंट्राडे वाला खरीद लेगा सब। 200 शेयर लेके आएगा जी कोई? हाँ, यही तो और खतरनाक है। कह रहा है कि सर पहले शेयर लेके उसके बाद कंपनी खोल सकते हैं, शेरवा कौन जी का मिलेगा? आप कंपनी डायरेक्ट ओन करके शेयर में नहीं जा सकते हैं, पहले आपको अपनी कंपनी ग्रो करानी पड़ेगी। बहुत जबरदस्त हो जाइएगा कंपनी ना, कम से कम 700 करोड़ की होनी चाहिए। कितने करोड़ की? तो ये कट ऑफ है। 700 करोड़ के लिए भी झुंझुना 10 बार बीएससी के पास हाथ गोड़ जोड़ना पड़ेगा, लिस्टेड कर दीजिए, लिस्टेड कर। 1000 करोड़ की कंपनी जिस दिन होइएगा ना, उस दिन कहाँ एंट्री मारिएगा आईपीओ में? अब बीएससी में कहीं कोना में जगह देगा? जो 5000 कंपनी है सब ना, उसमें कोनो कोना में आपको जगह दे देगा? तो भाई शेयर आप कब बेच सकते हैं? जब बड़ी कंपनी में बने हैं तब ना। आप शेयर तभी बेच सकते हैं जब कंपनी बड़ी हो गई है तब। ये मत सोचिए कि छोटी कंपनी का शेयर आएगा, जब तक बड़े नहीं है तब तक शेयर में नहीं जा सकते। कम से कम कितना चाहिए? 700 करोड़। अभी के वक्त में भी 700 करोड़ में तो इंट्री नहीं दे रहा है। 1000 करोड़ कम से कम, 1000। जो कंपनी 700 करोड़ की हो जाती है ना, उसको लगभग कहा जाता है $100 मिलियन। कितने मिलियन डॉलर? 100 मिलियन डॉलर को अगर 70 रुपए के हिसाब से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 700। हालांकि 70 तो है नहीं, 75 रेट चल रहा है डॉलर, यानी 750 करोड़ की कंपनी अगर आपकी है। कितने करोड़ की? 750 करोड़ की कंपनी है तो आप कहेंगे $1 मिलियन की कंपनी है। यही कंपनी एलिजिबल होती है किसमें जाने के लिए? आईपीओ में। अभी सोच रहा है कि माचिस का फैक्ट्री डाल के चल जाएंगे आईपीओ में, कितना होना चाहिए? सर इतना पैसा होता है रे बबुआ, पगला कहीं का। जो बीएससी में 5000 कंपनियां हैं, कितनी कंपनियां हैं? और एनएससी में 1500। ये कंपनी इस कट ऑफ को तो पारे की होंगी ना, तब ना गई होंगी। जरा सोचिए, जो सेंसेक्स में उसका कितनी हैसियत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? जो 100 मिलियन डॉलर की कंपनी हो जाती है, मतलब कितने करोड़ की, इसे कहा जाता है यूनिकॉर्न। क्या कहा जाता है? क्या हो जाता है? यूनिकॉर्न कंपनी। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ जाए ना। अब सोचिए, जब यूनिकॉर्न हो जाएगा ना, तब जाइएगा शेयर में, ऐसे चल जाएंगे शेयर घूम।
बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होते हैं सब उसमें जाने के लिए, डॉलर में ही क्यों नापा जाता है? दुनिया में बड़े बड़े कंपनी सब किस में रहते हैं? डॉलर में ही नापे जाते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग समझ में आ गया, अपराध है। जो शेयर गिरने का इंतजार करे उसे क्या कहते हैं? बियर। उठाने का करे तो बुल। शेयर का कंसेप्ट समझ में आया ना? देखिए शेयर का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, उसको धीरे धीरे इंप्रूव करके ऑनलाइन लाया गया, फिर ऑनलाइन इसमें ऑटोमेटिक बेचने और खरीदने का सिस्टम लाया गया, एक दिन का रखा गया इंट्राडे ट्रेडिंग, लॉकिंग टारगेट रख दिया गया कि इतने टारगेट पे बिक जाएगा, इससे नीचे होगा तो बिक जाएगा, आपके लिए आपका मतलब वॉच लिस्ट बना दिया गया, फेवरेट कंपनियों को इसमें डाल दीजिए, वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। शेयर में आपको तभी फायदा हो सकता है जब आपके पास नॉलेज हो। बोलिए। कंपनी है, पैसा कंपनी तो उसका मालिक है। हाँ, 1 बिलियन तो यहां से ही स्टार्ट होते हैं सर यूनिकॉर्न वाले। आगे बढ़ जाए, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तब उसमें। किसमें कंपटीशन? सब में ज्यादा रहता है, बीएससी एनएससी। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनएससी में कितने हैं? सेबी का बताइए। शेयर मार्केट में जाने के लिए कौन से अकाउंट खोलना? बोल। डीमेट अकाउंट जो होता है डायरेक्ट खुल सकता है कि पहले से? पहले सेविंग। इंट्राडे ट्रेडिंग कितने बजे से चालू होगा? क्या कोई अपना शेयर नहीं बेचना चाहता है तो आप जबरदस्ती खरीद लेंगे? लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग है तो 3:30 बजे के बाद आपका उस सत्यानाश कर देगा, हटा के दे देगा पैसा। लीजिए यहाँ पे 100 रुपया लगाए थे, 90 रुपया रख लीजिए यहाँ पर, उस समय घटा बढ़ा के जो रहेगा लास्ट में दे देगा। इस शेयर को कहते हैं हम लोग फ्री फ्लॉट शेयर। फ्री फ्लॉट मतलब जितने शेयर बेचने और खरीदने के लिए अवेलेबल है आप उतने ही शेयर की खरीद बिक्री कर सकते हैं, ना कि उससे ज्यादा या कम को खरीद बिक्री कर सकते हैं। आगे बढ़ जाए। फ्री फ्लॉट शेयर इसमें लिखा है कि नहीं? फ्री फ्लॉट से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का देखिए गड़बड़ हो, अच्छा ठीक है, इसमें निफ्टी में कितनी कंपनियां? सेंसेक्स अभी लगभग कितने हजार करोड़ पे? 55,000। 55,000 अंक है ना, तो अंक मतलब क्या है? करोड़। तो बताइए सेंसेक्स में कितनी कंपनी? 30। इन 30 कंपनियों का टोटल वैल्यू मिलाएंगे तो कितना आएगा? 55,000 करोड़। कितना करोड़? 55,000 करोड़। और निफ्टी का 15, कितनी कंपनी? 50। इसका निकलेंगे 17,000 करोड़। कितना करोड़? अब ये 5,000 का वैल्यू थोड़ी है, ये केवल 30 कंपनियों का। कितने कंपनियों का? 30 कंपनियों का। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आप पूरा स्टॉक जोड़ेंगे लोग तो अभी 5,000 में से हम कितना का जोड़े? 30। कितने का? 30। टोटल कंपनी जोड़िए, 5,000 किस में है? निफ्टी में, सॉरी सेंसेक्स में। 1500 निफ्टी में, 1700 किस में है? निफ्टी में है। दोनों को जोड़ देंगे लगभग 7,000। लगभग कितना है? 7,000, क्योंकि ये 1750 है, वो 55 उसमें 5,000 में और ज्यादा है। लगभग कितना है? 7,000। 7,000 कंपनी में से महज 30 कंपनी ले लीजिए सेंसेक्स का और 50 ले लीजिए निफ्टी का। 7,000 में से टोटल कितना? 80 कम। इन 80 कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटल जोड़िए, 55,000 करोड़ और प्लस कितना? 17,000 करोड़। कितना हो जाएगा? 70,000 करोड़। कितना करोड़? 70,000 करोड़। कितना? 70,000 करोड़ एप्रोक्स। कितनी कंपनियों का? महज 80 कंपनियों का मार्केट कैपिटल 70,000 करोड़। किसी को दिख? और अगर हम ये 7,000 कंपनियों को जोड़ेंगे तो कहां जाएगा, आपको कोई आइडिया है? अब बात करते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की। उसके शेयर बाजार में जितनी कंपनियां लिस्टेड हैं, एक तो पहली बात उसके यहां 2,000 से ज्यादा कंपनियां नहीं है, हमारे यहां कितना है? 7,000 और उसके यहां 2,000। वो पूरा को बेचेंगे ना तो 85,000 करोड़ आएगा। कितना आएगा? 85,000। अपन 80 को लेकर उतना में निपटा देगा, यहाँ पर इतना ज्यादा रहता है यहाँ पर। तो उसका तो देशों छोटा है, उस पर से समस्या भी है, दिमाग भी छोटा है, देश भी छोटा है, समस्याएं भी बहुत ज्यादा है। कि
डिविडेंड कैसे निकाल सकते हैं भाई, प्रॉफिट जो बचता है। अरे यार डिविडेंड में क्या, तुमको अजीब चीज है, डिविडेंड नहीं समझ में आया तो तुमको क्या समझ में आया, नहीं बताएं। कंपनी अपने खर्च को निकाल दे, सैलरी निकाल दे, एमडी का भी सैलरी निकाल दे, टैक्स निकाल दे, फ्यूचर प्लानिंग का पैसा निकाल, बचा हुआ पैसा प्रॉफिट। अब ये क्या होगा, शेयर होल्डरों में उनके परसेंटेज के हिसाब से बांट दे, इसी को क्या कहेंगे, डिविडेंड। क्या कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब म्यूचुअल फंड को हम मंडे के क्लास में करेंगे, किसमें, मंडे के क्लास में, मंडे।